अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक, आप बताइए। अलवी साहब ने मेरे आने की वजह तो बताई होगी। जी जी बिल्कुल, दादू ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं। बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ये परीजे हैं, मेरी पेशेंट। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी की तरफ बहुत वेलकम करने में हम इसकी मदद करें। जी जी बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। घरौंदा का तो मकसद ही है कि मोहब्बत और आसानी बांटी जाए। दादाजी भी यही कहते हैं कि जब तक जिंदगी है उसको जीते रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करके। गुड, वेरी गुड। इस तरह की बात सिर्फ अलवी साहब की औलाद ही कर सकती है। जिंदगी और शुक्र दोनों का ताल्लुक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खाने में नमक। परीजे, ये इस शहर की बेहतरीन जगह है। तुम यहाँ रहो और खुद को तलाश करो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कभी कोई परेशानी हो भी तो अबे मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब नौफिल, मैं चलती हूँ, मेरी हॉस्पिटल में दो मीटिंग्स हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे आप रो क्यों रही हैं? मुझे डॉक्टर इफ़्फ़त की आदत हो गई है, उनके बगैर नहीं रह सकती। देखिए मिस परीजे, हमें जिंदगी में हजारों लोग मिलते हैं और कभी कभार हमें उनकी आदत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रह नहीं पाते। कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं और कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। जिंदगी का पहिया तो चलते रहता है ना, इसलिए मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आपके साथ जो कुछ हुआ उसे बुलाने की कोशिश करें। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, रिलैक्स एंड लर्न टू मूव ऑन। तब तक आइए मैं आपको गरौंदा का टूर करवाता हूँ।